अभिनय की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली आज की एक्ट्रेसेस अपनी नेचुरल ब्यूटी से संतुष्ट नहीं हो पा रही, इसीलिए तो वो अपनी नेचुरल ब्यूटी से खिलवाड़ कर बहुत सारा दर्द सहकर आर्टिफिशियल ब्यूटी अपनाती हैं और अपनी नेचुरल ब्यूटी को हमेशा के लिए खो देती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने के इस दौर में टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस मौजूद हैं जो प्लास्टिक सर्जरी से नफरत करती हैं और कहलाती हैं नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि वो सभी अपनी नेचुरल ब्यूटी से इतनी संतुष्ट हैं कि उन्होंने आज तक एक छोटी सी प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं करवाई है। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी की उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जो प्लास्टिक सर्जरी से नफरत करती हैं और नेचुरल रहना पसंद करती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो अभिनेत्रियाँ। नंबर एक, क्रिस्टल डिसूजा। ब्रह्म राक्षस जैसे सीरियल में काम कर मशहूर हुई अदाकारा क्रिस्टल डिसूजा को प्लास्टिक सर्जरी करवाने से नफरत है, इसीलिए तो इन्होंने खुद को सुंदर दिखाने के लिए अब तक कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है, क्योंकि ये इन सब से परहेज करती हैं। इनका मानना है कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, तो आज भी ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ जिंदगी का मजा ले रही हैं। नंबर दो, श्रुति झा। कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री श्रुति झा का नाम भी उन अभिनेत्रियों में शुमार है जिन्होंने अभी तक अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कोई भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा नहीं लिया, क्योंकि इन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनका मानना है कि प्लास्टिक सर्जरी में अगर एक गलती भी हो जाए तो उससे पूरा चेहरा खराब हो सकता है और ये ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहती। इन्हें नेचुरल रहना पसंद है और हमेशा ही अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ रहेंगी। नंबर तीन, निया शर्मा। निया शर्मा को टीवी इंडस्ट्री की डस्की ब्यूटी कहा जाता है। इनका स्किन टोन काफी सांवला है, पर इस सांवले रंग की वजह से इन्हें करियर की शुरुआत में काफी परेशानी भी हुई थी, जिसके लिए इन्हें सर्जरी का सुझाव भी दिया गया था, पर इन्होंने किसी भी तरह की कोई सर्जरी नहीं करवाई, क्योंकि इन्होंने बाकी एक्ट्रेसेस का हाल देखा है कि उनका क्या हाल हुआ सर्जरी के बाद, तो उन्हें देखकर इन्होंने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए पर ये अपनी जिंदगी में प्लास्टिक सर्जरी कभी नहीं कराएंगी और हमेशा अपनी इसी ब्यूटी के साथ रहेंगी। पर इनका यही सांवला रंग और ये ब्यूटी आगे चलकर इनके लिए काफी लकी साबित हुआ और लोग इन्हें इस डस्की ब्यूटी को पसंद करने लगे। अपनी इस ब्यूटी के साथ ये गोरी गोरी एक्ट्रेसेस को भी मात देती है। नंबर चार, अदा खान। अदा खान भी हैं टीवी इंडस्ट्री की नेचुरल ब्यूटी जिन्होंने अब तक कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है, क्योंकि इन्हें नेचुरल रहना पसंद है। अपनी खूबसूरती को और भी बढ़ाने के लिए इन्होंने कभी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा नहीं लिया, बल्कि हेल्दी एलोवेरा जैसे नेचुरल चीजों के साथ अपनी खूबसूरती को और बढ़ाया। नंबर पाँच, सुरभि ज्योति। कबूल है सीरियल में जोया का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सुरभि ज्योति ने न केवल अपनी एक्टिंग से बल्कि अपनी सुंदरता से भी लोगों का दिल जीता है। आपको बता दें कि इन्होंने अभी तक खुद को सुंदर बनाने के लिए कोई भी प्लास्टिक सर्जरी का सहारा नहीं लिया है। ये इनकी नेचुरल ब्यूटी है। इनका मानना है कि नेचुरल ही बेस्ट है और प्लास्टिक सर्जरी से केवल चेहरा खराब होता है और कुछ नहीं। ये कभी भी बाकी एक्ट्रेसेस की तरह इसका सहारा नहीं लेंगी खुद को अच्छा दिखाने के लिए। नंबर छह, कृतिका सेंगर। कृतिका सेंगर जितनी बेहतरीन अदाकारा हैं उतनी ही सुंदर भी हैं। इनके चेहरे पर कोई दाग धब्बे भी नहीं हैं। बताते चलें कि अगर इनके चेहरे पर कोई दाग धब्बे नहीं हैं, तो उसके पीछे प्लास्टिक सर्जरी का तो कोई हाथ नहीं, क्योंकि इन्हें सर्जरी करवाने से बेहद नफरत है, इसीलिए अपनी सुंदरता को मेंटेन करने के लिए ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं और अपनी स्किन को हमेशा हेल्दी बनाकर रखती हैं। नंबर सात, दृष्टि धामी। मधुबाला के नाम से मशहूर दृष्टि धामी ने भी कभी दूसरी एक्ट्रेसेस को देखकर कभी कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। यहाँ तक कि इन्होंने खुद को सुंदर बनाने के लिए ज्यादा मेकअप का भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये बिना प्लास्टिक सर्जरी और बिना मेकअप के भी बहुत ही शांत और सुंदर दिखती हैं। इसीलिए तो इनका नाम भी टीवी की नेचुरल ब्यूटी में गिना जाता है। तो आपको इनमें से कौन सी नेचुरल ब्यूटी वाली एक्ट्रेस पसंद है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।